नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशनी शर्मा और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। भोपाल, मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस द्वारा मकर संक्रांति के पावन पर्व पर लड़की हूँ लड़ सकती हूँ अभियान का आगाज किया गया। यूपी की तर्ज पर मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस द्वारा महिला को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शारीरिक एवं मानसिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। महिला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अर्चना जायसवाल ने बताया कि मध्य प्रदेश के हर जिले में लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का आगाज किया गया। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का मतलब बताते हुए अर्चना जायसवाल ने कहा कि जो महिला सशक्त है वह उन महिलाओं को प्रशिक्षण देगी जो महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी नहीं है। मैं आई हेल्प यू की मदद से महिलाओं को जागरूक करेगी। ऐसा सभी हमारे महिला कांग्रेस के सम्मानित पदाधिकारी हैं, पत्रकार साथियों, सबसे पहले मैं सबको मकर संक्रांति आज अभियान शुरू किया है, लड़कियां रहेगी किस प्रकार की रणनीति? देखिए, मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस ने संक्रांति के अवसर पर पूरे मध्य प्रदेश के हर जिले में संक्रांति मिलन समारोह परंपरागत तरीके से मनाया। और उसके बाद जो हमारी प्रियंका गांधी जी हैं, उन्होंने जो अभियान चालू किया है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, इसका आगाज आज पूरे मध्य प्रदेश के हर जिले में किया गया है। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ इसका मतलब यह है कि जो सशक्त महिलाएँ हैं वो उन महिलाओं को जागरूक करें जो अपने पैरों पे नहीं खड़ी हैं, जिनको अपने कानून नहीं पता है, उनको जागरूक करने का काम मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस करेगी। मैं आई हेल्प यू के माध्यम से यदि किसी को कोई मदद करनी है तो हमारी जो महिलाएं हैं उनको बताएंगी कि ये आपके कानूनी अधिकार हैं, ये सरकार की आपकी योजना है, क्योंकि अच्छे से अच्छी पढ़ी लिखी महिलाओं को भी उनको कानून और अधिकार पता नहीं होते हैं। तो वाकई सशक्तिकरण जब हो पाएगा जब महिलाएँ जागरूक होंगी। जब महिलाएँ जागरूक होंगी तो वो अन्य महिलाओं को जागरूक कर सकती हैं कि आपको पता होना चाहिए कि आपके ये अधिकार है, तब ये नारा जो है वो सार्थक होगा कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। आज मैं, हो सकता है मैं सक्षम हूँ और मैं जागरूक हूँ, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ सकती हूँ, परंतु कई महिलाएं ऐसी जिन्हें जागरूक होना है, तो मैं अपने पद को तभी सार्थक मानूंगी जब मैं कई महिलाओं को अर्चना जायसवाल बना दूं और उनको बता दूं कि भाई आपके कानून है। तो मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस आज सबके सामने संकल्प लिया है, संक्रांति के अवसर पर संकल्प लिया है कि वो हर एक उस महिला की मदद करेगी जो महिला मदद की आकांक्षी है, उसे आत्मरक्षा के गुण भी सिखाएगी। और ये प्रक्रिया सतत चलने वाली है, आज संक्रांति के अवसर पर चल के ख़त्म होने वाली प्रक्रिया नहीं है। अगली संक्रांति को फिर हम और आप मिलेंगे, तब हम देखेंगे कि हमने कितने कांटे बीने और कितनी महिलाओं को सशक्त करा है। यदि हम सशक्त हैं तो हमारा नैतिक दायित्व बनता है कि उन महिलाओं को सशक्त करें जो खबर समय जगत के लिए भोपाल से शक्ति भारती की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।